ऑरेंज ट्रेन के लिए नई मुश्किल, पटरी पर आने से कबल ही ट्रेन पर 21 अरब रुपए का टैक्स आयद। मास ट्रांजिट अथॉरिटी को 12.9 अरब और LDA को 7.2 अरब रुपए सेल्स टैक्स अदा करने के लिए शो कॉज नोटिस। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जवाब जमा कराने के लिए 10 रोज की मोहलत। कातिल डोर से मुहाफिज भी महफूज ना रहे, पतंग की डोर फिरने से डॉल्फिन फोर्स का एहलकार जख्मी। पुलिस ने 10 रोज तक मामला छुपाए रखा। राशिद मिनहास नामी एहलकार ड्यूटी से वापस घर जा रहा था कि इछरा के करीब धाती डोर गर्दन में फिर गई। एहलकार जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। शहर में जराइम की शरह से मुतालिक CCPO की सब अच्छा की रिपोर्ट। BA नासिर कहते हैं नई हिकमत अमली से क्राइम रेट का ग्राफ नीचे आ गया है। शहर के थानों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। क्राइम रेट का आदादो शुमार 15 की कॉल से लिया जा सकता है। साइलिन की दादरसी के लिए खुली कचहरियों का इनाकाद किया जा रहा है। नाजायज चालान और मुकदमात खत्म करो, कस्टम हुकाम को हरासा करने से रोको। गुड्स ट्रांसपोर्टर सड़कों पर आ गए। मुतालिबात की मंजूरी के लिए सर्कुलर रोड से शालम मार्केट तक रैली। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज का दायराकार मजीद बढ़ा देंगे, ट्रांसपोर्टर्स की धमकी। गरीबों का अल्लाह वारिस, वजीरों मुशीरों और अरकान असम्बली को अपनी तनख्वाह की फिक्र। महंगाई में गुजारा नहीं होता, सैलरी बढ़ाओ। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के लिए प्राइवेट बिल असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। बुनियादी तनख्वाह, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और तवाजो अलाउंस बढ़ाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ के रुकन असम्बली गजनफर अब्बास छीना ने बिल जमा कराया। अगे बड़े पैसे इन्होंने कोल ने, होर तरह वधा के इन्होंने की करना। किसी गरीब आदमी मजदूरों तरह नौकरियां देन, कोई बेचारा खुशहाल हो। अज तक लड़ाइया झगड़े नहीं मुकते, इन्हें गरीब वास्ते की करना। लिहाजा इन्हों तरह नहीं वधाई, ये कोई माड़े ने कि इन्होंने तरह वधाई है। असं इन्हें गरीबों वास्ते किया, कभी इतने आए तो है नहीं, अपने हल्के कभी गए नहीं है। तरह बिल्कुल नहीं वधनी, अगले कैंसल होनी चाहिए, क्योंकि खाते पीने ने गरीब आदमी का सोचन जिनी जो दिहाड़ी लानी है तो मिल गई तो ठीक है, उन्होंने सारा दिन नहर से बैठ के वेला रहता है। तनख्वाहें बढ़ानी नहीं घटानी चाहिए। अरकान असम्बली की तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे पर आवाम सीख पा, मुल्क लूट कर खा गए, लूटा हुआ पैसा वापस लेना चाहिए, शहरियों का रद्द अमल। हाई कोर्ट का इहाता अखाड़े में तब्दील। पेशी पर आए मुकदमा फरीकैन आपस में दस्तों ग्रेबां, लातों घूंसों और थप्पड़ों से एक दूसरे पर हमले। इहाता मैदानी जंग का मंजर पेश करता रहा। अदालत की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान। वाटर एक्ट से पानी का मसला हल हो जाएगा। पानी हमारा महदूद असासा है जिसे हम जाया कर रहे हैं। सूबाई वजीर आपाशी सरदार मोहसिन लगारी की गुफ्तगू। जल्लो मोड़ के करीब केनाल नहर की भल सफाई का इफ्तिताह। सूबाई वजीर ने बेलचे की मदद से खुद सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। बारिशों के बाद सफाई का वक्त एक हफ्ते तक बढ़ाने का ऐलान। दरामदी मोबाइल फोन पर टैक्स बढ़ाने पर ताजर बरादरी बरहम। दरामदी मोबाइल पर 7 किस्म के टैक्स आयद कर दिए। मुतालिबात मंजूर ना हुए तो एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। ताजर रहनुमा बाबर महमूद भट्ट की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। छोटे मोबाइल पर 300 रुपए ड्यूटी फिक्स करने का मुतालिबा। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में इमारतों के मंजूर शुदा प्लान मंसूख करने के लिए बल्दिया उज़्मा को मुरासला। LDA कंट्रोल्ड एरियाज में हजारों घरों और इमारतों के प्लान गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए गए, मुरासले का मतन। अदाकारा हरीम फारूक और अली रहमान खान की फिल्म हीर मांजाओना में कास्ट। फिल्म का पहला पोस्टर भी जारी। ईद उल अजहा पर सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।
अंधों के शहर में आईने बेचने वाला उर्दू का मौमार अफसाना निगार, दुनिया में जब तक कहानी मौजूद रहेगी मंटू का नाम जिंदा रहेगा। अपने कलम से मुआशरती नासूरों की जिराही करने वाले साहिब तर्ज नसर निगार की आज 64वीं बरसी।